वृंदावन नाम के जंगल का राजा बबर शेर बहुत ही नेक और रक्षक था। वह अपने जंगल का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और अपने जंगल की देखरेख किया करता था। बबर शेर के पास एक जादुई मणि थी जिसे वह हमेशा अपनी गुफा में छुपाए रखता था, लेकिन आज तक भी जंगल का कोई भी जानवर उस मणि का राज नहीं जान पाया था और ना ही किसी भी जंगल के जानवर ने उस मणि के राज को जानने की कोशिश की थी। एक बार बबर शेर सभी जानवरों को अपनी गुफा पर बुलाता है और उनसे बोलता है, सुनो जंगल वासियों, ये जंगल हमारा है और इस जंगल को बचाने के लिए हमें अगर कभी अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये मणि जो हमारे पास है, ये एक अमानत है जिसे हमें सही सलामत रंगीन शेरों के पास पहुंचाना है। लेकिन बबर शेर महाराज, कौन से रंगीन शेर? हमें तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। सही कह रहे हो तुम। मेरे बाबा मुझे बताया करते थे कि ये मणि कोई मामूली मणि नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मणि है। एक बार हमारे जंगल पर कोई मुसीबत आन पड़ी थी, तब ये मणि बाबा को कुछ रंगीन शेरों ने दी थी और वे रंगीन शेर आज तक भी अपनी मणि को लेने धरती पर वापस नहीं आए। इसीलिए यह मणि हमारे ऊपर एक अमानत है और हमें इसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखना है। बबर शेर की सब बातें पास ही के जंगल का एक रंगीन बाघ सुन लेता है और वह तुरंत ही दौड़कर अपने जंगल वापस जाता है और अपने जंगल के सभी बाघ दोस्तों को उस जादुई मणि के बारे में बताता है। जादुई मणि के बारे में सुनकर उन लालची बाघों के मन में भी लालच आ जाता है और वह तुरंत ही बबर शेर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और बबर शेर के जंगल वासियों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। कुछ जानवर वहां से अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं और वह वहां से जान बचाकर तुरंत ही राजा बबर शेर के पास जाते हैं और एक गाय बोलती है, महाराज महाराज, हमारे जंगल पर कुछ खूंखार भागों ने हमला बोल दिया है। हमें जल्दी से इस जादुई मणि को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। मुझे तो लगता है उन्हें हमारी इस मणि के बारे में पता चल गया है और वो इसी मणि को लेने इस जंगल में आए हैं महाराज। गाय बहन, अगर ये बात है तो हमें तुरंत ही यह जंगल छोड़कर जाना होगा और इस मणि को कहीं और सुरक्षित जगह पर पहुँचाना होगा। ऐसा बोलकर बबर शेर और जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल आ जाते हैं और उस मणि को एक सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। उधर वो खूनी बाघ बबर शेर की गुफा पर आते हैं और बबर शेर को अपनी गुफा पर ना पाकर वो समझ जाते हैं कि बबर शेर ये जंगल छोड़कर भाग गया है। वो कमीना बबर शेर तो दुम दबा के भाग गया, लेकिन हम भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम भी आज से इसी जंगल में रहेंगे। देखते हैं आखिर कब तक वो इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। आखिर एक दिन तो उसे लौटकर इसी जंगल में आना होगा। ऐसा बोलकर वो सभी बाघ बबर शेर के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और वो वहीं पर रहने लगते हैं। बबर शेर बेचारा तो उस मणि की शक्तियों को इस्तेमाल करना भी नहीं जानता था। अब तो उसे ऊपर वाले पर ही भरोसा था और किसी चमत्कार का इंतजार था जो उन बाघों से उनके जंगल को बचा सके। इसी तरह से महीनों बीत जाते हैं। अब तो बबर शेर और बाकी जंगल वासियों को भी अपने जंगल की याद आने लगी थी और वह कैसे भी करके अपने जंगल लौटना चाहते थे, लेकिन फिर वह मणि भी तो थी। अब तो खुद बबर शेर भी उस मणि का ख्याल रखते रखते परेशान आ गया था। अब वो किसी भी तरह उस मणि को उसके सही ठिकाने पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन कैसे? यही सोचते सोचते बबर शेर को कई दिन बीत जाते हैं और बबर शेर परेशान होकर उस मणि के पास जाता है और उससे बोलता है, हे मणि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अब तुम्हारी रक्षा करूं और कैसे मैं अपने जंगल को उन रंगीन बाघों से वापस लूं। अब मैं और जंगल के सभी वासी इस वीरान जंगल में रह रहकर परेशान हो गए हैं। अब हमें इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा।
बबर शेर का ऐसा बोलना था कि उसकी गुफा की बाहर एक तेज रोशनी के साथ एक बांस से बना घर प्रकट होता है और उस घर के अंदर से कुछ रंगीन शेर निकल कर आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया शेर भाई, तुमने हमारी मणि का ख्याल रखा। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? रंगीन शेरों के ऐसा पूछने पर बबर शेर उन्हें अपने जंगल पर आई आफत के बारे में बता देता है और वह रंगीन शेर बबर शेर और बाकी जंगल वासियों को लेकर वहां से बबर शेर के जंगल की ओर निकलते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें आता हुआ एक बाघ देख लेता है और वह तुरंत ही दौड़ता हुआ अपने बाघ सरदार के पास जाता है और उसे जाकर पूरी बात बताता है। रंगीन शेरों के आने की खबर सुनकर बाघ बोलता है, उस बब्बर शेर से तो कुछ हुआ नहीं हमारा, अब वह उन रंगीन शेरों को लेकर आया है। चलो सभी मेरे साथ, देखते हैं आखिर उन रंगीन शेरों के पास कितनी ताकत है। ऐसा बोलकर बाघ उन रंगीन शेरों के पास पहुंच जाता है और जाते साथ ही उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये रंगीन शेर कितने ताकतवर हैं। रंगीन शेर देखते ही देखते सभी बाघों को धूल चटा देते हैं और उन सभी को वहीं पर मार डालते हैं और उस मणि को बबर शेर को ही देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अब बबर शेर भी कोई मामूली शेर नहीं बचा था, उसके पास मणि की बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं और वो सभी चैन की सांस लेते हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।